नेपाल टी20 लीग की फाइनली जो है ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हुए हैं जी हाँ। और ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो वो अब यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। नेपाल के जो सारे प्लेयर्स हैं उसका हमने ऑलरेडी आपको वीडियो से पहले दिया था, और अब ये जो वीडियो है ये कंप्लीट स्क्वाड के साथ है, यानी नेपाल के प्लेयर्स प्लस फॉरेन प्लेयर्स जितने भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स। तो शुरुआत करते हैं यार, अब फॉरेन प्लेयर्स इंक्लूड होने के बाद जो पूरी की पूरी स्क्वाड बनती है वो टीम्स की क्या बन रही है, और यही स्क्वाड जो है लेकर मैदान में उतरेगी कहीं ना कहीं नेपाल टी20 लीग में जो 6 टीम्स हैं जिनके नाम आप सब जानते हैं, और अब तक शायद आपने आप से कई लोगों ने अपने फेवरेट्स भी चुन लिए होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, क्या फॉरेन प्लेयर्स इंक्लूड होने के बाद जो मेन स्क्वाड है जो परमानेंट स्क्वाड है वो अब क्या बन रही है, एंड सबसे पहले टीम। बिल्कुल, सबसे पहले टीम की बात करें तो काठमांडू गोरखास, जी हाँ, सबसे पहली टीम जहाँ पर सारे प्लेयर्स को अब यहाँ इंक्लूडेड है, ओवरसीज और नेपाल के प्लेयर्स सब इंक्लूडेड है। ज्ञानेंद्र मल्ला, लोकेश बाम, जी हाँ, बशीर अहमद, कमल सिंह एरी, यहाँ फास्ट बॉलर जो कि टीम के लिए बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। अविनाश बोहरा, ये एक अच्छा सिलेक्शन ज़रूर है। अनिल खरेल, सौरभ खनल, संदीप रजाली, संतोष कार्की, सुनम गौतम, जी हाँ सुनम गौतम, गौतम केसी। और इसी के साथ अब थोड़ा ओवरसीज प्लेयर्स की तरफ जाएं तो तिशारा परेरा, डीएस वीराकोडी, ये श्रीलंका के हैं, कमेंडो मेंडिस, जी हाँ कमेंडो मेंडिस को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, विरंदीप सिंह फ्रॉम मलेशिया, एंड लास्ट धनंजय डी सिल्वा। तो ये जी हाँ धनंजय डी सिल्वा, सही सुना आपने, ये काठमांडू गोरखास में एंट्री कर चुके हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं काठमांडू गोरखास की जो स्क्वाड है वो कुछ इस प्रकार है पूरी ओवरसीज के साथ मिलाकर। उसके बाद अगली टीम की तरफ बढ़े तो फार वेस्टर्न यूनाइटेड, या अगर इनकी टीम की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है करण केसी, उसके बाद विनोद भंडारी, भीम शार्की, देव खनल, राशिद खान, जी हाँ ये अफगानिस्तान वाले राशिद खान नहीं, ये राशिद खान है और नेपाल के राशिद खान, दुर्गेश गुप्ता, भुवान कार्की, हरिशंकर साहा, शेर मल्ला, बसंत कार्की, प्रकाश जैसी और हासिम अंसारी। जी हाँ ये तो बात हो गई नेपाल के प्लेयर्स की, और आगे इनके ओवरसीज के जो प्लेयर इनके साथ जुड़े हुए हैं वो है कार्लोस ब्रैथवेट, जी हाँ टी20 वर्ल्ड कप सबको याद है, दुष्यंत हेमंता, पुलिना थरंगा, अल्लाह गजनफर, जी हाँ ये अफगानिस्तान के हैं, और जिया उल रहमान, ये पूरी फार वेस्टर्न यूनाइटेड की जो स्क्वाड है ये बनती है ओवरसीज के साथ मिलाकर। उसके बाद है अगली तीसरी टीम कौन सी है? बिल्कुल, अगली टीम की बात करें तो जी हाँ विराट नगर सुपर किंग्स, जी हाँ विराट नगर सुपर किंग्स जिसमें रोहित पुड़ैल, अर्जुन सौद और नंदन यादव, साहब आलम, विवेक यादव, जी हाँ इनको भी यहाँ रखा है, अमर सिंह रौतेला, नारायण जोशी, सूर्य तमांग, प्रदीप एरी, पृथ्वी बास्कोटा, इनका ये भी यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, और रिजन ढकल, तो ये प्लेयर हैं नेपाल के प्लेयर्स। और ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें एंजेलो मैथ्यूज, जी हाँ बहुत बड़े प्लेयर श्रीलंका के, जोशुआ प्रसाद, जी हाँ जोशुआ प्रसाद, एंड्री मैकैर्थी, जी हाँ ये वो समझ जाए समझ जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, और गोरांशु शर्मा, विनोद राणा सिंघे एंड क्योन जोसेफ, ये विराट नगर सुपर किंग्स के ओवरसीज प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, तो पूरे स्क्वाड जो है विराट नगर सुपर किंग्स की वो इस तरह से नजर आ रही है। चलिए उसके बाद अगर बात करें अब जनकपुर रॉयल्स की तो उनकी स्क्वाड क्या है पूरी मिलाकर ओवरसीज के बाद इंक्लूड होने के बाद जो बनती है वो है, सबसे पहला नाम सोमपाल कामी, संदीप जोरा, मोहम्मद आदिल आलम, जी हाँ आदिल आलम को इंक्लूड किया गया है, दिलीप नाथ, ललित राजवंशी, सुशांत भारी, सागर पुन, पवन श्रॉफ, जितेंद्र मुखिया, खड़क बोहरा, राजेश गुलामी। अब यहाँ से ओवरसीज प्लेयर के शुरू होते हैं एडम लिथ, ट्रेवन ग्रिफ्ट, इब्राहिम जादरान, राज रॉकी नैनन एंड सुभा सिंगे प्रियरंजन। जी हाँ तो जनकपुर रॉयल्स की ये पूरी स्क्वाड बनती है ओवरसीज के प्लेयर्स को इंक्लूड करने के बाद। और एक चीज आपको बता देंगे, जो भी ओवरसीज प्लेयर्स के आप नाम सुन रहे हैं कुछ आपके सामने जो है वो बहुत पॉपुलर नेम्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, और बहुत सारे ऐसे नेम्स भी हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं है कि ये क्या है, बॉलर है, बैट्समैन है, स्पिनर है वगैरह वगैरह। तो ये इसके लिए आपके सामने डेली क्रिकेट चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लेकर आएंगे आने वाले वक्त में कि इस ओवरसीज के जो प्लेयर हैं ये इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं, किस टीम से है, बॉलर है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर
ऑर्डर है, क्या कौन से डाउन वगैरह में आते हैं, तो ये सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड चार टीमें हो गई है, अगली दो टीमों की स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। अब ओवरसीज प्लेयर्स मिलाने के बाद अगली पांचवें नंबर की टीम है उनका क्या? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। और पांचवी टीम है पोखरा एवेंजर्स, जी हाँ, जिसमें आसिफ शेख मार्की प्लेयर है, और उसके बाद शरद वैसोकर टीम में है, कुशल मल्ला, प्रतीश जीसी और आरिफ शेख, दोनों ब्रदर एक ही साथ हैं, और बहादुर थापा, जी हाँ, तुल बहादुर थापा यहाँ पर है, विशाल विक्रम, कृष्ण कार्की और बिपिन खत्री, सुमित महाराजन और सिद्धांत लोहानी, ये नेपाल के जो प्लेयर हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं पर ओवरसीज प्लेयर की अगर बात करें हम पोखरा एवेंजर्स में, मोहम्मद हफीज, जी हाँ मिस्टर प्रोफेसर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्लेयर T20 में, पाकिस्तान के लिए तो खैर हैं ही, और T20I में ओवरऑल भी है। सिक्किम के प्रसन्ना, निरोशन डिकवेला, ओवरसीज के मामले में खैर जरूर बात करेंगे इसमें आगे, सलमान इरशाद एंड शिहान मधुशंका, जी हाँ ये प्लेयर्स ओवरसीज के क्रैप किए हैं पोखरा एवेंजर्स। बिल्कुल, तो पोखरा एवेंजर्स की जो स्क्वाड है वो कुछ इस तरह की बनती है ओवरसीज प्लेयर्स को इंक्लूड करने के बाद। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट लुम्बिनी ऑल स्टार्स की अगर हम स्क्वाड की बात करें, तो नेपाल के प्लेयर्स आपको हमने पहले बताए थे, अब ओवरसीज के साथ जुड़ने के बाद किस तरह की टोटल स्क्वाड बनती है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले दीपेंद्र सिंह एरी, उसके बाद अनिल कुमार साहा, कुशल भुरतैल, गुलशन झा, सागर ढकल, योगेंद्र सिंह कार्की, किशोर महातो, जी हाँ किशोर महातो को यहाँ लिया गया है इस लुम्बिनी स्टार्स की तरफ से, तिलक राज भंडारी, सुनील धमाला, आकाश चंद, ईशान पांडे, और अब इनके ओवरसीज प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो आ जाते हैं बेन कटिंग, जी हाँ, राकिम कॉनवेल, पैट ब्राउन, विपुल शर्मा, जी हाँ ये IPL खेले हुए हैं विपुल शर्मा, लहिरू मिलंथा एंड नुआन थुशारा। तो ये कहीं ना कहीं पूरी स्क्वाड बनती है लुम्बिनी ऑल स्टार्स की, और ये वो छह टीम्स हैं जिनकी कंप्लीट ओवरसीज प्लेयर्स को मिलाने के बाद और लोकल नेपाली प्लेयर्स को मिलाने के बाद जो स्क्वाड बनती है वो कुछ इस तरह की है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी स्क्वाड जो है वो स्ट्रांग लग रही है, कौन सी नजर आ रही है, कौन सी नहीं, तो ये आपके ऊपर है कि आपकी फेवरेट्स कौन कौन सी है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ओवरऑल यहाँ पर ओवरसीज और नेपाल के प्लेयर्स कॉम्बिनेशन को बिठाने की कोशिश की है, ये सारे ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ पर इस नेपाल क्रिकेट लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे फर्स्ट एडिशन में। ओवरऑल इस पूरे ड्राफ्ट से हमारे ड्राफ्ट में हमारी क्या राय है, प्लेयर्स को देखकर क्या राय है कि प्लेयर्स किस तरह से पिक किए गए, नहीं किए गए, किस तरह से खुशी हुई है या फिर नहीं, इससे शेड्स को कितना हेल्प होगा या फिर नहीं, ओवरऑल क्या चीजें बेहतर कर पाया है नेपाल T20 अगर फर्स्ट अपने ड्राफ्ट के फर्स्ट इंप्रेशन के तौर पर देखें, क्या कुछ चीजें मिस आउट हो गई है, उसको लेकर एक वीडियो जरूर लाएंगे कि रिव्यू करने की कोशिश करेंगे इस पूरे ड्राफ्ट को, वो वीडियो आपके सामने कल परसों में जरूर हाजिर है, करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक चीज मैं यहाँ चाहते हैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, छोटी सी चीज, हर टीम के मार्की प्लेयर और ओवरसीज में उनके टॉप प्लेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से मालूम ही होगा आपको, फिर भी काठमांडू गोरखास के लिए ज्ञानेंद्र मल्ला मार्की प्लेयर है और थिशारा परेरा सबसे बड़े प्लेयर है ओवरसीज प्लेयर में। वहीं पर फार वेस्टर्न के लिए करण केसी मार्की प्लेयर है और कार्लोस ब्रैथवेट उनके स्ट्राइक ओवरसीज प्लेयर है सबसे बड़े। वहीं पर विराटनगर सुपर किंग्स के लिए रोहित पुढ़ैल मार्की प्लेयर है और एंजेलो मैथ्यूज उनके सबसे बड़े प्लेयर है ओवरसीज प्लेयर में। जनकपुर रॉयल्स की बात करें तो सोमपाल कामी उनके सबसे बड़े प्लेयर बन जाते हैं मार्की प्लेयर, माफ कीजिए, और एडम लिन उनके सबसे बड़े ओवरसीज हैं, जबकि वहाँ इब्राहिम जादरान है पर एडम लिन बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेले हैं तो इसलिए वो वहाँ पर बन जाते हैं। पोखरा एवेंजर्स की तरफ से आसिफ शेख मार्की प्लेयर हैं उनकी टीम के लिए, वहीं पर मोहम्मद हफीज उनके सबसे बड़े ओवरसीज प्लेयर हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट लुम्बिनी ऑल स्टार्स, दीपेंद्र सिंह एरी मार्की प्लेयर है और बेन कटिंग उनके बेस्ट ओवरसीज प्लेयर, सबसे बड़े ओवरसीज प्लेयर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सारे अपडेट्स थी नेपाल T20 लीग के स्क्वाड से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे स्क्वाड में जो भी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं उनको उनके बारे में आपको बताने का जो काम है वो टेलीग्राम आपको लगातार करेगा, ताकि आपको सब प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन हर सही तरीके से मिल सके, ओवरसीज प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी सही से मिल सके। तो ओवरऑल चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेपाल T20 लीग की भी कवरेज हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।